हम प्रणाम करें आज यहां आए हुए, यहां एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी, एक तरफ प्रयागराज है, यानी प्रतापगढ़ के आशीर्वाद में सब तीर्थों के आशीर्वाद शामिल है। और प्रतापगढ़ के नाम में ही प्रताप है, ये वीरों और बलिदानियों की धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब हमारे भारत का प्रताप दुनिया देख रही है, आज जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, भारत G20 जैसे बड़े आयोजन बड़ी सफलता और गर्व के साथ करवाता है, भारत अपने तिरंगे की छाप चंद्रमा पर छोड़ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सारी बातें आप जानते हैं तो आप सबको गर्व होता है क्या? इन सफलताओं से आपको गर्व होता है क्या? यानी सब बताएंगे तो पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। आपको गर्व होता है क्या? 10 साल पहले आप ऐसी सफलता की कल्पना भी कर सकते थे क्या? तब हजारों करोड़ के घोटाले, इसके सिवाय कभी और कोई खबर आती थी क्या? ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ है। 10 साल पहले जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कैसे? ये सब बदलाव कैसे आया? ये बदलाव कैसे आया? आपका जवाब पूरी तरह गलत है। ये बदलाव, ये सफलता मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट जड़ दिया गया है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, इस सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा और दमदार। लेकिन साथियों, इंडी गठबंधन वाले देश से भाजपा एनडीए की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं।
और इनके पास सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है? इनका फॉर्मूला है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 PM बनाएंगे, यानी हर साल एक नया PM। ये चाहते हैं कि भानुमति का कुनबा जोड़ने वालों को लूट का बराबर मौका मिले। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको 5 साल में 5 PM मंजूर है? क्या ये 5 PM देश को चला सकते हैं? क्या देश को बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, एक बार किसी एक छोटे व्यापारी को अपने यहां काम करने के लिए एक सहायक की जरूरत थी, तो उसने अपने आसपास पड़ोस वालों को कहा कि भाई 22-25 साल का कोई नौजवान मुझे मिल जाए तो मेरे कारोबार में जरा मदद हो जाए और मैं उसको ठीक तनख्वाह भी दे दूंगा। तो किसी को पता चला, वो पहुंच गए कि हां 24 साल का कि आपका जो क्राइटेरिया है वो मैं पूरा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बेटे को लेके आइए। तो उसने क्या किया, 12-12 साल के 2 बच्चों को लेकर के आ गया। बोले 12-12 वाले 2 हैं, 24 हो गए, रख लीजिए। कोई रखेगा क्या? कोई रखेगा क्या? ये कह रहे हैं 5 साल के लिए 5 PM रख लो। साथियों, इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनके एजेंडा क्या है? ये कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लगा देंगे। ये CAA का जो कानून मोदी ने बनाया है उसको रद्द कर देंगे। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे, और इसलिए आपको सपा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, इंडी गठबंधन के लोग देश को बदहाल बनाकर सत्ता से गए थे। 2014 से पहले देश को उन्होंने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, हर क्षेत्र में लूट मची थी, देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया तो पहले तो हमारी पूरी ताकत इन गड्ढों को भरने में लग गई, बर्बादी से देश को बाहर निकालने में लग गई। हमने, और ये कैसे लोग थे, देश जब आजाद हुआ था तब दुनिया में हम 6 नंबर की इकोनॉमी थे, 6 नंबर पे थे। इन लोगों ने देश को ऐसे चलाया कि हम 6 में से 11 पर पहुंच गए। ये बर्बादी की इन्होंने,
फिर आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, हमने मेहनत की, वो 11 पे ले गए थे, आज हम उसको देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 5 पर ले आए हैं दोस्तों। और मोदी इतने से खुश होने वाला इंसान नहीं है और न ही रुकने वाला है और न ही थकने वाला है। और इसलिए मैंने तय किया है कि जब तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो हम हिंदुस्तान को दुनिया में तीसरे नंबर की ताकत बना करके रहेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के विकास का मजाक बनाती है। सपा और कांग्रेस कहती है कि देश का विकास तो अपने आप हो जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये सपा कांग्रेस की मानसिकता के दो ही किनारे हैं। एक ये कहते हैं अपने आप हो जाएगा और दूसरा ये कहते हैं इससे क्या होगा। हमने गरीब माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए, सपा कांग्रेस कहती थी इसमें क्या होगा। हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए, सपा कांग्रेस कहती थी इससे क्या होगा। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, बरसों तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही और हालात ये थी कि देश में 85% 85% घरों में नल से जल नहीं आता था। हमने 14 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया। और इस पर भी सपा कांग्रेस कहती है इससे क्या होगा। साथियों, हमारी करोड़ों बहनें लकड़ी के धुएं में खाना बनाने को मजबूर थी। हमने हर गरीब बहन को धुएं से बचाने के लिए मुफ्त सिलेंडर दिया तो ये कहने लगे इससे क्या होगा। देश में करोड़ों गरीबों को बैंक में नहीं घुसने के लिए दरवाजे तक नहीं घुसने दिया जाता था। हमने 52 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए तो ये कहते हैं इससे क्या होगा। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसे लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो
कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमक लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताऊं क्या होगा? बताऊं? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण कण आपके नाम। हम विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ हैं, है ना, है ना। और ये मोदी की गारंटी है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और ये मेरी 140 करोड़ देशवासियों को गारंटी है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले 10 साल से सत्ता से बाहर है, इनकी काली कमाई की तिजोरी खाली हो गई है, इसलिए इनकी नजर अब देश के खजाने पर पड़ी है। कांग्रेस के शहजादे तो कह रहे हैं कि सबकी कमाई की जांच करवाएंगे, आपका पैसा जब्त करके उसे अपने वोट बैंक में बांटेंगे। इन्होंने दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देशभर में लागू करना चाहती है, लेकिन पिछड़ों से
विश्वासघात करने वाली सपा इस पर चुप बैठी है, मुंह पे ताला लग गया है। और साथियों, सपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहीं पर नहीं रुकी, ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के साहजादे, उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग भूल रहे हैं, ये मोदी है, ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और मोदी है तो वो लिख के रखें, उनके लिए नामुमकिन है। मोदी के रहते रामलला दोबारा में टेंट में जाए वो दिन भूल जाइए। और ऐसा सोचने वालों को देश टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देगा। मोदी के रहते आपकी संपत्ति वोट जिहाद करने वालों में बांटी जाए, ये मोदी नहीं करने देगा। साथियों, सपा कांग्रेस की राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान यूपी को हुआ है। गुंडाराज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, सपा की इस राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान आप सब मेरे देशवासियों को हुआ है, यूपी के युवाओं को हुआ है। आज इस क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे निकलने जा रहा है, एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल सेंटर, कृषि उत्पादन केंद्र और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ओडीओपी में यहां के आंवला उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसका लाभ किसको होगा? यहां के किसानों को, आंवला उत्पादकों को होगा। साथियों, जहां सपा होगी वहां उद्योग नहीं लग सकते। सपा के राज में व्यापारियों से रंगदारी ये हर मोहल्ले की घटना हो गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ? यूपी में निवेश नहीं आया, उद्योग नहीं लगे, रोजगार नहीं मिले। इनके भ्रष्टाचार का हाल क्या था? यहां की एटीएल ट्रैक्टर फैक्ट्री तक को सपा सरकार ने बेच दिया था। कितने लोगों का रोजगार गया? योगी जी की सरकार ने वो जमीन वापस ली है। योगी जी फिर से यहां नए अवसर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, सपा वालों को लगता है कि लोग उनके कुकृत्य भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता, न सौ पड़ा न एक प्रताप गढ़ा। प्रताप गढ़िया एक एक पाप का हिसाब करेगा। हिसाब करेंगे ना? हिसाब करेंगे ना? साथियों, यूपी का विकास, देश का भविष्य आपके एक वोट से तय होगा। 23 मई को आप संगमलाल गुप्ता जी को भारी बहुमत से जीत दिलाइए। आपका एक एक वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। और जब संगमलाल जी को वोट देंगे ना,
वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, मंजूर? पहले मतदान फिर जलपान, मंजूर? अच्छा, मेरा एक और का आग्रह करेंगे, आप जिससे भी मिले ज्यादा से ज्यादा घरों में जाए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिले, उनको कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।